स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट के अंतर्गत जो है कॉपिंग ऑफ फार्मूला के बारे में, जो हम लोग फार्मूला को किस तरह से कॉपी कर सकते हैं और इसका उपयोग जो है हम लोग और किस किस कार्यों में कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है यह, क्योंकि बिल्टन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस बनाया गया है उसी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग कंटिन्यू जो है टॉपिक आ रहा है, ठीक है, इस चैनल पर। तो आप लोग जो भी बिल्टन का टॉपिक है आप लोग जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, बिल्टन की तरफ से डेट भी बहुत जल्द आने वाला है। क्योंकि अभी तक जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं वो लोग कॉल करके इंक्वायरी करते हैं, सर जो किस तरह से जुड़े, तो जुड़ने का माध्यम आप लोगों को जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके जुड़ सकते हैं, और नहीं तो एक सेपरेट वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना दिया जाएगा, ठीक है, जो किस तरह से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और किस तरह से कोर्स अपने परचेज कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को जो है ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि इंक्वायरी में बहुत सारे बच्चे जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं जो सर कैसे जुड़े, तो इसके लिए बहुत जल्द आप लोग के पास एक वीडियो आएगा जो आप लोग हमसे किस तरह से जुड़ सकते हैं, जो भी प्रोसेस रहेगा जो भी माध्यम रहेगा आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कॉपी ऑफ फार्मूला के बारे में, जो यह किस तरह से कार्य करता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कॉपी ऑफ फार्मूला यानी सूत्र की जो है नकल किस तरह से करना है, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं, जो सूत्र की नकल हम लोग किस तरह से करते हैं, कोई भी फार्मूला का जो है नकल किस तरह से किया जाता है। तो एक्सेल ने अपने फार्मूलों को एक पूरे रो यानी लाइन या कॉलम में कॉपी करना आसान बना दिया है, लेकिन आपको हमेशा वैसे परिणाम नहीं मिलते जैसे आप पाना चाहते हैं। यदि आपको अनचाहे परिणाम मिलते हैं या फिर REF और DIVO एरर दिखती है, तो ये आपके लिए बेहद चिंता का विषय हो सकता है, ठीक है। एक्सेल में निम्नलिखित तरीकों से फॉर्मूला को कॉपी किया जाता है जो इस प्रकार है, ठीक है। सबसे पहला जो है वह है सटीक फार्मूला कॉपी करने के लिए फाइंड और रिप्लेस इस्तेमाल करें। दूसरा जो है प्रकार वह है कॉलम या रॉ को फार्मूला से भरना। तीसरा जो प्रकार है वह पेस्ट करके एक फार्मूला को कई सेल्स में कॉपी करना। और चौथा जो है हमारा रिलेटिव या एब्सोल्यूट सेल्स रेफरेंस जो है वो इस्तेमाल करना, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, जो टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, कार्यों का प्रकार किस तरह का होता है। तो फंक्शन कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैथ और स्ट्रिंग, ठीक है, डेट एंड टाइम, टेक्स्ट, फाइनेंशियल, लॉजिकल, स्टैटिकली, लुकअप एंड रेफरेंस, ये सभी जो है फंक्शन के प्रकार हैं, ठीक है। ऑटो शेप एंड स्मार्ट ऑटो को समझते हैं, जो ये क्या होता है, ऑटो आकार और स्मार्ट कला, ठीक है। तो MS Excel में ग्राफिक और पिक्चर की तरह ही शेप्स का प्रयोग भी कम ही किया जाता है। एक्सेल में शेप्स का प्रयोग प्रायः तब किया जाता है जब किसी प्रोजेक्ट या रिपोर्ट में हमें कई नोट अलग से दिखाना हो अथवा कोई विशेष जानकारी अलग से जो है दर्शानी हो। एक्सेल के जिस शीट में हम शेप्स इंसर्ट करना चाहते हैं उसे ओपन करें। अब रिबन पर स्थित इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इंसर्ट टैब से संबंधित सभी कमांड स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी और इंसर्ट टैब के बाई ओर यानी लेफ्ट साइड हमें इलस्ट्रेशन ग्रुप दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ शेप्स कमांड का बटन प्रदर्शित होगा। जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तब एक ड्रॉप डाउन लिस्ट स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है जहां विभिन्न प्रकार की शेप्स होगी। हम जो भी शेप्स लेना चाहते हैं उस पर क्लिक कर देंगे। अब माउस को सीट में उस स्थान पर क्लिक करेंगे जहां वह शेप्स इंसर्ट करनी है, शेष उस स्थान पर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समझा जो सूत्र की नकल किस तरह करना है यानी कॉपी ऑफ फार्मूला, ठीक है। और
अभी तक जो भी बच्चे हमारे इस पीडीएफ को परचेज नहीं किए हैं वो लोग जल्द से जल्द पीडीएफ को परचेज करके अपने तैयारी को और मजबूत करें, क्योंकि बहुत जल्द आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। डेट नहीं आया है लेकिन बहुत जल्द आप लोग का एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा, तो इस चक्कर में ना रहे, ठीक है। अपने तैयारी को आगे ले जाए, जल्द से जल्द जुड़े हमसे और तैयारी शुरू करें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।